हेलो गाइस, मैं शेखर कुमार और आपका स्वागत है हमारा चैनल वाईफाई केमिस्ट्री अड्डा पे। तो आज हम लोग 12th का चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और वो चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। तो पहले जो वीडियो बना है, ये जो वीडियो बन रहा है वो बेसिक पे बन रहा है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहे ताकि मैं आपको बहुत अच्छा तरह से समझा दूं। ये जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, तो कभी शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो कभी डिफरेंस आ जाते हैं। तो चलिए आप मेरे वीडियो में बने रहे ताकि मैं आपको बहुत अच्छा तरह से समझा दूं कि सॉल्यूशन क्या होता है और इसका बेसिक क्या है। तो देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर सॉल्यूशन के बारे में, और हमारा जो चैप्टर होता है वो कुछ ना कुछ हमेशा बताता है। जो उसका टाइटल होता है वो हमें कुछ ना कुछ बताता है। ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब क्या, ये एग्जाम का सॉल्यूशन नहीं है, कोई आंसर का सॉल्यूशन नहीं है, ये अलग टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक। ये सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ना कभी भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हम लोग को शरबत मिलता है, सिकंजी मिलता है, मीठा पानी मिलता है, ठीक है, नाश्ता के रूप में। तो वो आप सोचें कि वो बना कैसे। तो देखिए, जो सॉल्यूशन होता है बस उसी पे डिपेंड रहता है, वो बना कैसे उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। आप देखिए क्या करते हैं, कभी सिकंजी बनाते हैं, कभी मीठा पानी बनाते हैं, तो आप लोग जनरली लेते हैं शुगर प्लस वाटर, तब हमारा मीठा पानी बन जाता है। क्या करते हैं, शुगर और वाटर दोनों को कॉम्बिनेशन कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तब क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है, और जिसको हम लोग मीठा पानी भी बोलते हैं। और ये जो शुगर है, ठीक है, ये कम मात्रा में लेते हैं तभी मीठा पानी बनता है। अगर ज्यादा मात्रा में अगर शुगर ले लेंगे तो वो तो शुगर पानी बन जाएगा ना। मतलब मैं बताना चाहता हूं, ज्यादा मात्रा में जब आप शुगर ले लेंगे तो वो तो मिलेगा ही नहीं, तो कहीं पे ज्यादा मीठा लगेगा तो कहीं पे कम मीठा लगेगा ये पानी में, ठीक है। लेकिन अगर क्वांटिटी शुगर का कम लिया जाए, इसका क्वांटिटी लेस में लिया जाए, लेस क्वांटिटी में लिया जाए, अगर लेस क्वांटिटी में लिया जाए तो क्या हो जाएगा, उसमें पानी जो रहेगा वो ज्यादा क्वांटिटी का रहेगा, जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, वो ज्यादा क्वांटिटी का जब रहेगा पानी तो शुगर प्रॉपरली मिल जाएगा। और वैसे सबस्टांस जब हम लोग दोनों को प्रॉपरली मिला लेते हैं, जैसे वाटर को शुगर से प्रॉपरली मिला लेंगे, तो वैसे को हम लोग होमोजेनस मिक्सर बोलते हैं, ठीक है। ये तो हम लोग बचपन में पढ़े होमोजेनस मिक्सर और हाइड्रोजेनस मिक्सर। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं, होमोजेनस मिक्सर उसको बोलते हैं जो पूरा पूरी मिल जाता है, हाइड्रोजेनस मिक्सर उसको बोलते हैं जो पूरा पूरी मिलता नहीं, कुछ कुछ पार्टिकल्स बच जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम पॉइंट ऑफ व्यू जिससे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो शुगर है वो हम लोग लेस क्वांटिटी में ले रहे हैं और वाटर है वो हाई क्वांटिटी में ले रहे हैं। शुगर को लेस क्वांटिटी में लेते हैं और वाटर को हाई क्वांटिटी में लेते हैं, और ये दोनों को जब मिक्सअप कर देते हैं, मतलब दोनों को मिला देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तब हम लोग को सिकंजी मिलता है, जिसको हम लोग कहीं कहीं मीठा पानी से भी जानते हैं, इसको हम लोग जनरली शुगर वाटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। जब दोनों को मिला देते हैं तो शुगर वाटर मिलता है। तो बस यही फंडा हम लोग का सॉल्यूशन में भी लगता है। वो कौन सा फंडा है, देखिए, जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं, तब हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब तब सॉल्यूशन बनता है। और ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है वो जनरली होमोजेनस ही होता है, हाइड्रोजेनस नहीं होता है, ठीक है। ये जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट, अब हमको पता चल जाएगा ये जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट किसको बोलेंगे ना, जो पानी में घुल जाएगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। जैसे अभी एग्जांपल लिए शुगर का, ठीक है, अदर एग्जांपल भी ले सकते हैं, NaCl नमक, ठीक है। अब देखिए सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिला दी तब हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ,
सिंपल सा फंडा है, ठीक है। और जो आपको पूछा जाएगा इस पे क्वेश्चन, पूछा जाएगा कि सोल्यूट ज्यादा मात्रा में लेते हैं या कम मात्रा में लेते हैं, तो ऑफकोर्स जब शुगर को हम लोग कम मात्रा में लेंगे, लेस क्वांटिटी में, तो सोल्यूट को भी लेस क्वांटिटी में लेंगे, ठीक है। और सॉल्वेंट जो होता है वो हाई क्वांटिटी में होता है। हाई क्वांटिटी में उसको क्यों लेते हैं, क्योंकि जब उसको हाई क्वांटिटी में लेंगे और लो क्वांटिटी को डालेंगे तभी तो प्रॉपरली मिक्सअप होगा, तभी तो प्रॉपरली मिलेगा, तब तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। तो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के साथ मिला देते हैं, ठीक है, तब हमारा सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो चैप्टर, ये सॉल्यूशन बस यही हमें सिखाता है, ठीक है, कि किसको किस पे मिलाया जाता है, कब मिलाया जाता है, उसका मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ये चैप्टर में बस हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जनरली बात करते हैं, एक पॉइंट आता है जिसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये बाइनरी सॉल्यूशन क्या है, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन हम उसको बोलेंगे जब दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो। बाइनरी सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जहां टू कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, जहां टू कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। और टू कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं, इट मे बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट होंगे या फिर सॉल्वेंट होंगे, इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, टू कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होंगे, उसे हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। जब दो कंपोनेंट प्रेजेंट हो, किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो वैसे सॉल्यूशन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टर्म्स का। नेक्स्ट टर्म्स क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं, ये जो सॉल्यूशन होते हैं ये थ्री टाइप्स के होते हैं। क्या क्या टाइप्स है इनका, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन, एक सॉलिड सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एंड अनदर वन इज गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन तीन टाइप के होते हैं, एक सॉलिड सॉल्यूशन, एक लिक्विड सॉल्यूशन, एक गैसेस सॉल्यूशन होते हैं। अब यहां एक क्वेश्चन उठता है कि सॉलिड सॉल्यूशन है क्या, ये इसका फंडा क्या है। तो सॉलिड सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा, सॉलिड सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट सॉलिड में प्रेजेंट हो, ठीक है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। ना वैसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट सॉलिड में प्रेजेंट हो, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, वैसे सॉल्यूशन को हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब फिर से एक बार बता देता हूं, सॉलिड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिनका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट टर्म आता है लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन जब हम पढ़ लिए तो लिक्विड सॉल्यूशन का थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं। क्या अनुमान लगा सकते हैं, देखिए मैं बताता हूं। लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, लिक्विड सॉल्यूशन उसे कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जो सॉल्वेंट लिक्विड में प्रेजेंट हो, वैसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो उसे हम लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ना वैसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो। अब लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, ना वैसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। अब आता है गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ना वैसे सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट लिक्विड, बाय मिस्टेक, जिनका सॉल्वेंट गैसेस प्रेजेंट, गैसेस स्टेट में प्रेजेंट हो। गैसेस सॉल्यूशन किनको बोलेंगे, ना वैसा सॉल्यूशन जिनका सॉल्वेंट गैसेस स्टेट में प्रेजेंट हो। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है, जनरली सॉल्यूशन हम उनको बोलेंगे जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को साथ मिला दे, मतलब खिचड़ी बना दे दोनों का, तब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है।
सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट में मिला दिया जाए, सॉल्यूट सॉल्वेंट को साथ में रख दिया जाए तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। एग्जांपल शुगर वाटर, नमक पानी, नींबू पानी, शिकंजी। आप लोग तो जनरली गर्मी के दिन में पीते होंगे। आप एक चीज, आप लोग जनरली गर्मी में कोको कोला पीते होंगे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे, तो क्या कोल्ड ड्रिंक जब पीते हैं उनका टेस्ट क्या अलग अलग स्टेज में अलग अलग रहता है? आई मीन ये जैसे देखिए, मान लीजिए एक बोतल है, आप इतना दूर पी लिए, इसका टेस्ट अलग रहता है, इसका टेस्ट अलग रहता है, इतना दूर का टेस्ट अलग रहता है। ये होता है कभी? ये नहीं होता। इसका मतलब क्या पता चलता है? वो सॉल्यूशन के फॉर्मेशन है, मतलब वो होमोजेनियस मिक्सर है जो पूरा पूरी प्रॉपरली मिल चुके हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट किया जाए, मिला दिया जाए, तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। बाइनरी सॉल्यूशन किनको बोलते हैं ना? उनका दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। अब सॉल्यूशन थ्री टाइप्स के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट सॉलिड में प्रेजेंट हो, लिक्विड सॉल्यूशन उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट लिक्विड में प्रेजेंट हो, गैसियस सॉल्यूशन उनको बोलेंगे जिनका सॉल्वेंट गैसियस में प्रेजेंट हो। तो ये रहा मेरा जो कॉन्सेप्ट, ये जनरली बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का बेसिक है जो आप लोग जनरली इसको 9th class, 10th class, 11th class में पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मालिटी, फॉर्मालिटी, इसके बाद वीडियो आगे बनते रहेगा। ठीक है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करना ना भूलें। और आप ये वीडियो उन बच्चों को शेयर करिए जो कोचिंग इफोर्ट नहीं कर सकते, जो कोचिंग इफोर्ट नहीं कर सकते हैं, जिनका मॉनिटरिंग सीक्वेंस खराब हो थोड़ा, तब उन बच्चे को ये वीडियो प्रीफर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू।